मध्य प्रदेश के मनावर में डकैतों का आतंक है। आपको बता दें कि बीती रात नकाबपोश 10 से 12 डकैतों ने दो किसानों के घरों को अपना निशाना बनाया। डकैत तीन किसान व एक महिला से मारपीट कर घर में रखी एक बाइक, सोने के चांदी के आभूषण और 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा डायल 100 और 108 को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचने तक डकैत वहां से फरार हो गए। ग्राम मोराड से घायल पिता पुत्र और ग्राम जलखा से पति पत्नी घायलों को 108 की मदद से मनावर के शासकीय अस्पताल लाया गया। सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रात्रि में 3 घायलों को जिला बड़वानी और 1 गंभीर घायल को इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस डकैतों की तलाश भी जुटी हुई है। मनावर से संवाददाता दिनेश पटेल की रिपोर्ट। एडीपी करण सिंह रावत। ग्राम जलखा में और ग्राम मोराड में कुछ अज्ञात बदमाशों ने रात्रि में घर पे धावा बोल के मारपीट की है, और जिससे जलखा में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें एक पति पत्नी दोनों घायल हुए हैं, और ग्राम मोराड में भी 2 बाप बेटे के साथ मारपीट हुई है। ये घर के बाहर सो रहे थे, अचानक बदमाश आए, उनके साथ मारपीट की, लकड़ी से और धारदार हथियार से मारपीट की, जिससे उनको चोटें आई। इनको बड़वानी रेफर किया गया है, अभी उपचार जारी है उनका। संख्या अभी क्लियर नहीं हो पाई, वैसे 4 से 5 कोई 10 बता रहा है, लेकिन 4 से 5 की संभावना है। उसमें जनहानि में बकरे लगे हैं उनके, तो एक बकरी तो वापस आ गई उनकी, जो छोड़ गए। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर ली थी, जैसे ही सूचना मिली चारों तरफ से घेराबंदी की, तो एक मोटरसाइकिल लगी, तो मोटरसाइकिल भी हम लोग ट्रेस कर ली है, तो बाकी और अपराधियों की तलाश जारी है। मामला पंजीबद्ध होगा, अभी वो घायल है, इसके बयान के बाद भी अपराध पंजीबद्ध होगा। क्या नाम है तुम्हारा? रघुवीर। रात में क्या घटनाक्रम हुआ बताओ तुम? 2 बजे का टाइम था और मेरे पे एकदम से हमला किया उन्होंने, चारों तरफ आके मेरे को घेर लिया। रिवॉल्वर थी, पिस्तौल मतलब, और थालिया वगैरह था, तीर कामटी थी। कितने लोग हुए? 10-12 जन थे, और मेरे पास पैसे थे, वो भी छीन लिए। तुम्हारे घर में जब वो घुसे? हाँ। तो तुम्हारे परिवार के लोग और कहाँ सोए हुए थे? मेरे परिवार के, मेरे मम्मी पापा बाहर सोए हुए थे और मेरा भाई अंदर था। उनके साथ भी मारपीट करी? हाँ, उनको तो जाके मारने ही लग गए। हाँ, तो मम्मी पापा तुम्हारे? बड़वानी है, अस्पताल में। ज्यादा चोट लगी हुई? हाँ, ज्यादा चोट लगी हुई है। कितना नुकसान होगा? कितने पैसे नगद लगे होंगे? नगद पैसे 2-2.5 लाख है। तो इतने पैसे घर में रखे थे, मतलब कैसे, कहाँ से आया था पैसे? अपन ये सर सोप वगैरह, सोप थे, बेल को बेचा हुआ था, कपास के, और पहले के भी थे पैसे, कहीं खर्चे नहीं किए थे, काम नहीं तो इकट्ठे करके रखे थे, बचा के रखे थे भाई। हाँ, सोने चांदी में क्या क्या? सोने चांदी में, सोने चांदी में तागली थी, कंदरा था, कड़े थे, झुमकी थी। बबलू। रात में क्या घटना करूँ तो बताओ थोड़ा सा। वो 2 बजे रात में आए और मारने लग गए, और चोर। कितने लोग थे अंदर? 10-11 जन। तुमको भी मारा? हाँ, मारा। क्या क्या घटना करूँ बता। पिस्तौल लेके खड़े हो गए, बोलना मत और चिल्लाना मत, और फाले और लेके मारे, ऐसा करते और देते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.